तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं प्लेको फिश के बारे में। इसको एलिगेटर भी कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर फिश है एक्वेरियम हॉबी में। बहुत अच्छी तो नहीं दिखती, लेकिन ये एल्गे खाने का काम करती है आपके टैंक में। बहुत सारे नामों से भी इनको जाना जाता है, जैसे एल्गे ईटर, सकर माउथ कैट फिश, प्लेको फिश। तो बहुत सारे नाम में भी आती है। ये बहुत अच्छी फिश होती है एल्गे खाने के लिए। प्रॉपर केयर करने पर ये फिश 10 से 15 साल तक जिंदा रह लेती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो अच्छे से जी जाएगी। और ये फिश 1.5 फीट तक भी बड़ी हो जाती है। अगर बड़ी स्पेस देंगे तो, छोटी स्पेस देंगे तो ये 1 फीट तक ही बड़ी होती है आपके टैंक में। और ये बहुत, इसका केयर बहुत आसान होता है, बहुत हार्ड केयर नहीं होता। बस आप हफ्ते में इसको एक बार क्यूकम्बर या फिर वेजेस खिलाया कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एल्गी पे जिंदा नहीं रह सकती। इसको आप वेजेस देंगे तो अच्छे से बड़ी होगी और एक्टिव रहेगी। ये फिश नॉक्चुरल फिश होती है, यानी ये रात में एक्टिव होती है, डे में कम एक्टिव होती है। डे में ज़्यादा करके हाइड रहना पसंद करती है। तो इसके लिए आप, ज़रूरी है कि आप ड्रिफ्ट वुड डालें या फिर ऐसे हाइडिंग प्लेसेस डालें, जैसे केव्स या फिर और कुछ, क्योंकि हाइड करना इस फिश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाइड रहने से ये खुद को सेफ फील करती है। और अगर आप इसको ला रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 1.5 फीट से ज़्यादा बड़ी टैंक लाएं, या फिर अगर छोटे टैंक में रख रहे हैं तो इसको चेंज कर दीजिएगा आगे चलकर, क्योंकि ये बड़ी हो जाती है तो बड़ी होने के बाद थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है। जब तक छोटी रहती है तब तक अग्रेसिव नहीं होती ये फिश। आप एक टैंक में एक से ज़्यादा प्लेको मत रखिए, एक से कम ही रखिए। मतलब एक ही प्लेको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मेल जो रहते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं और लड़ाई कर सकते हैं। तो आप एक टैंक में एक ही प्लेको रखिए। टैंक को ज़्यादा ओवरक्राउड मत कीजिए, और हफ्ते में 10 से 15% पानी चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, डिसीजेज अटैक नहीं होगा इनके ऊपर। और इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 22 से 30 डिग्री के बीच में। आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रॉपिकल फिश है। और पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 के पीएच में रह लेगी। और टैंक मेट्स की बात करें तो ये पीसफुल होती है, जब तब आप किसी भी टैंक मेट्स के साथ इसको रख सकते हैं, जब ये छोटी होती है, जैसे सिकलेज या फिर टेट्रास वराइटी या कुछ भी आप रख सकते हैं, अच्छे से रह लेगी। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।